इस साल भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का विशेष पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में काफी अहम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही भाइयों का मनपसंद भोजन अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती हैं। लेकिन अगर आपके भाई आपसे दूर हैं, तो लेकिन अगर आप अपने भाई से दूर हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप दूर होते भी भाई दूज के कुछ नियमों का पालन करके अपने पूजा का पूर्ण फल ले सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं भाई से दूर रहने पर कैसे करें भाई दूज की पूजा। भाई दूज वाले दिन बहनें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा वाले स्थान की सफाई करें। अब आपके जितने भी भाई हैं और आपसे दूर रहते हैं तो उनकी संख्या में बाजार से नारियल के गोले लेकर आ जाएं। नारियल का गोला यानी कि सूखे नारियल। फिर एक चौकी पर पीले रंग के वस्त्र चढ़ाकर उन गोलों को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर अष्टदल कमल के चित्र बनाएं। आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब के फूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फूल के ऊपर चावल रखकर उस पर नारियल के गोले रख दें। इसके बाद गोले को गंगा जल में स्नान कराकर रोली और चावल से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो अपने हाथों से बनी मिठाई का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उस पर जल अर्पित करें और बाद में नारियल के गोलों की आरती उतारें। आरती के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े से ढककर शाम तक छोड़ दें। पूजा के बाद अपने भाई की लंबी आयु और कष्ट से मुक्ति के लिए यमराज से प्रार्थना करें। फिर अगले दिन नारियल के उन गोलों को पूजा स्थल से उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, या संभव हो तो उन गोलों को आप भाई के पास भी भेज सकती हैं। इन सूखे नारियलों को खाना नहीं चाहिए, बल्कि आप इन्हें एक साल तक अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं और इनका विसर्जन एक साल के बाद कर सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।